आज हम स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के बारे में अध्ययन करेंगे, इसको जानेंगे। यह एक ट्रेनिंग है जो ऑफलाइन दी जा रही है, लेकिन उसके बारे में हमें पहले से ही जानना पड़ेगा कि यह क्यों दी जा रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है एजुकेशन का। एक बच्चे को पढ़ाने के लिए हमें जितनी मेहनत और ध्यान लगाना पड़ता है, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। हम आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूलों में कक्षा एक से बच्चों की शिक्षा प्रारंभ होती है। वे बिना किसी तैयारी के सीधे विद्यालय में प्रवेश लेते हैं। ऐसे में बच्चों को स्कूल के माहौल में ढलने और अपने सहपाठियों से सामंजस्य बनाने में काफ़ी वक्त बीत जाता है। संभव है ऐसा करने में एक अच्छा पास भी कर जाए। बाल विकास की बात करें तो हम देखते हैं कि बच्चों के जीवन के पहले 6 वर्ष अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अतः इस अवधि में गुणवत्तापूर्ण देखभाल एवं शाला पूर्व शिक्षा की अति आवश्यक है। इस पोस्ट में हम जानेंगे कि स्कूल रेडनेस प्रोग्राम क्या है और किस प्रकार स्कूल रेडनेस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध विद्यालयों में लागू किया जा रहा है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बच्चों को विद्यालय के लिए तैयार करना, जिससे वे विद्यालय से जुड़ाव महसूस कर सकें। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। निपुण भारत मिशन एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में स्कूल रेडनेस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय से कक्षा एक को पढ़ाने वाले शिक्षक को नोडल शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। ये शिक्षक नव प्रवेशी छात्र छात्राओं हेतु विद्यालय तैयारी संबंधी गतिविधियों एवं क्रियाकलापों को आयोजित करने में सक्रिय योगदान प्रदान करेंगे। विद्यालय के प्रांगण में यदि आंगनबाड़ी केंद्र अवस्थित है तो उसमें आयु वर्ग 3 से 6 के बच्चों को भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से गतिविधियों में सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे। अतः इस हेतु ऐसे शिक्षक का चयन किया जाएगा जिसके द्वारा रुचिपूर्ण शिक्षा से संबंधित विद्यालयी गतिविधियों में सक्रिय योगदान दिया जा रहा हो। स्कूल रेडनेस के अंतर्गत प्रसिद्ध विद्यालय हेतु कार्य योजना। COVID-19 महामारी के कारण बच्चे लगभग 15 वर्ष दूर रहे। जो बच्चे 3 में पढ़ रहे थे वे कक्षा 5 में पहुंच गए, जिसके कारण उनके अधिगम स्तर में अत्यंत गिरावट हुई है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने इस बात पर तुरंत निर्णय लेते हुए सितंबर माह से प्राथमिक स्तर पर स्कूल रेडनेस प्रोग्राम लागू करने का निर्णय लिया है। कक्षा 1 से 3 तक स्कूल रेडनेस कार्यक्रम के साथ साथ कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों के मानसिक एवं भावनात्मक विकास पर बल दिया गया है। प्राथमिक स्तर पर गतिविधियाँ। हिंदी और गणित पर विशेष ध्यान देते हुए उपचारात्मक शिक्षण, जिसमें अभ्यास के अत्यधिक अवसर हों, सभी कक्षाओं में मानसिक और भावनात्मक गतिविधियां संचालित की जाएं। कक्षा 1 से 3 के लिए विद्यालय रेडनेस गतिविधियां की जाएं। बच्चों की लाइब्रेरी की पुस्तकें पढ़ने को मौका दें और उनके साथ कहानी सुनाने की गतिविधियाँ करें। सहज पुस्तिकाओं का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। हम इस चार्ट को देखेंगे, यहाँ पर गतिविधि दिया है, कितने मिनट करना है और क्या संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। विद्यालय रेडनेस से मानसिक एवं भावनात्मक विकास की गतिविधियाँ 20 मिनट होंगी। स्वागत वार्म अप गतिविधि, स्वास्थ्य और स्वच्छता चेक 40 मिनट उसमें होगा। मानसिक एवं भावनात्मक विकास की गतिविधि, भाषा के लिए उपचारात्मक शिक्षण के लिए अभ्यास गतिविधि 60 मिनट का है। हिंदी अभ्यास कार्य संसाधन प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध है। अभ्यास पत्रक पोस्टर एवं चार्ट प्रयोग करेंगे। 60 मिनट फिर मिलेगा आपको कहानी सुनाना, साझा पठन, व्यक्तिगत पठन, संसाधन में सहज एवं लाइब्रेरी पुस्तकें। फिर मध्याह्न भोजन हो जाएगा। उसके बाद गणित उपचारात्मक शिक्षण के लिए अभ्यास गतिविधियाँ दिया है, 60 मिनट का होगा। गणित अभ्यास कार्य करना है, संसाधन प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध है, अभ्यास पत्रक पाठ्य पुस्तकें हैं। 60 मिनट फिर मिलेगा आपको मैथ कार्ड पोस्टर एवं मैथ किट से गतिविधियां कराने में, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां 30 मिनट मिलेगा, सह पाठ्यक्रम छात्र कौशल विकास के लिए खेल, चित्रकला, नाटक और संगीत।
उच्च प्राथमिक स्तर पर भी गतिविधियां हैं। प्रतिदिन सुबह 1 घंटे उपचारात्मक शिक्षण किया जाए, जिसमें हिंदी गणित पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उपचारात्मक शिक्षण के दौरान अभ्यास पत्रकों पर कार्य कराया जाए। इन अभ्यास पत्रकों की मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। स्कूल रेडनेस प्रोग्राम टीचर्स ट्रेनिंग। जिले स्तर पर ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए राज्य संदर्भ गठन का समूहों का गठन किया जा चुका है। राज्य संदर्भ समूहों का प्रशिक्षण भी कराया गया है। ये सभी प्रशिक्षक जिले स्तर पर संदर्भ समूहों को प्रशिक्षित करेंगे। कुछ जनपदों में प्रशिक्षण संपन्न हो चुका है। जिले स्तर पर संदर्भ समूहों का गठन। ब्लॉक स्तर से प्रत्येक संकुल के एक सक्रिय शिक्षक संकुल को इसके लिए चुना जाएगा। भाषा से संबंधित संकुल सदस्य को बढ़ता दी जाएगी। चयनित शिक्षक संकुल का 2 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कराया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत शिक्षक संकुल द्वारा ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक विद्यालय की कक्षा 1 को पढ़ाने वाले शिक्षक को 2 दिवसीय ऑफलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण BRC प्रायोजित किया जाएगा। अब आगे कह रहा है कि एक चार्ट दिया है, साप्ताहिक दिनचर्या क्या होनी चाहिए, पूरा उसका चार्ट यहाँ पर है, देखेंगे। सत्र का नाम है सोमवार, मंगल को, बुधवार को। इस चार्ट बनाना है आपको। पहला सत्र के नाम है स्वागत, सर्कस, सर्कल टाइम, स्वतंत्र खेल, संख्या, पर्यावरण जागरूकता एवं वैज्ञानिक सोच, रचनात्मक और सौंदर्यात्मक विकास हेतु कला संबंधित गतिविधियाँ, भाषा एवं साक्षरता कौशल विकास दोपहर के बाद करानी है, और शिक्षक द्वारा पहल किए गए बड़े समूह में 30 से 35 मिनट हो, बाहर खेले जाने वाले खेल इसमें हैं। भाषा एवं साक्षरता में मौखिक पढ़ना लिखना भी होगा। उसके बाद गुड बाय टाइम है 30 मिनट का। शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को उस दिन की गतिविधियों को याद करने में मदद करे। शिक्षक को बच्चों को अगले दिन की गतिविधियों के लिए तैयार करना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को उस दिन करवाए गए गतिविधियों को अपने माता पिता के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें। शिक्षक को चाहिए कि बच्चों के जाते समय वह एक गीत करवाएं। इस प्रकार आगे चलेंगे फिर हम। विकासात्मक क्षेत्र और गतिविधियाँ, डोमेन वाइज एक्टिविटीज़। विकासात्मक क्षेत्र और गतिविधियाँ यहाँ पर दिया गया है। इसमें स्वतंत्र खेल है, छोटे समूह में बच्चों द्वारा खेल है। इसमें क्या करना है, आपस में छुपन छुपाई खेलना, मिट्टी से खेल खिलौने वस्तु बनाना, खेल के कोन कानों में नाटकीय खेल खेलना, कागज़ की मदद से कुछ भी बनाना जैसे नाव, हवाई जहाज आदि, पुराने टायर के साथ खेलते हुए उसे घुमाना, संख्या, पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं सोच के लिए कंकड़ या उंगलियों के साथ गिनती करवाना, पर्चियों का खेल संख्या के साथ उनकी मात्रा मिलाना, बीज बोना, उनकी देखभाल करना, बच्चों के साथ किसान, कर्मचारी, डॉक्टर, दुकानदार आदि के बारे में बात करना, किन्हीं 5 वस्तुओं का नाम बताना जो लाल, हरे और पीले रंग की होती हैं, 5 ऐसी वस्तुएं इकट्ठा करना जो आपकी हथेली से बड़ी हों, हम बाजार जाएंगे जिसकी गतिविधि कराना, दीदी दीदी किसकी चाल, फिर संख्या अनुसार क्रमबद्ध तरीके से लगाना, पूरा युवा आधा की अवधारणा, दृश्य विभेदीकरण करना, भिन्नता पहचानना, 7 पहचानों, आवाज पहचानों की गतिविधि, स्पर्श की थैली, फिर है अगला स्पर्श करते हुए वस्तुओं को जानना, बेमोल को हटाओ, चिकने खुरदरे की पहचान, सुनकर बताओ, स्वाद ही स्वाद गतिविधि, फिर है अपना रचनात्मक और सौंदर्यात्मक विकास हेतु कला से संबंधित गतिविधियाँ, छोटी मांसपेशियों का विकास, कोलाज बनाना, अंगूठे की छाप से चित्रकारी, सब्जियों द्वारा चित्रकारी करना, मिट्टी से आकृति बनाना, हाथ के पंजे की छाप से तितली बनाना, 3 रस्सी या दुपट्टे से चोटी बनाना, पत्थरों की ढेर से वस्तुएं बनाना, कागज की लुगदी से खिलौने बनाना। भाषा एवं साक्षरता कौशल हेतु विकास। शिक्षक द्वारा पहल किए गए बड़े समूह में मौखिक विकास होगा। कैसे, तुकान शब्द बनाना, जानवर, चिड़िया, कीट और उनके द्वारा की निकाले जाने वाले आवाज़ के बारे में बातचीत या आवाज़ निकालना, टंग ट्विस्टर, जानवरों की आवाज़ से अपने अनुसार पैटर्न बनाना, कोई कविता करवाना और उससे तुकान शब्द बनाना,
अपने नाक के पहले अक्षर से कोई शब्द बोलना, मौखिक कोई मौखिक कहानी सुनाना। पठन में क्या होगा, ऐसे किसी किताब को देखकर तेज आवाज में पढ़ना, चित्र वाली कहानी की पुस्तक से कहानी बनाना, कविता कार्ड का इस्तेमाल करते हुए कविता गाना, चित्र कार्ड से जुड़े खेल खेलवाना, चित्र वाली बड़ी किताब से कहानी सुनाना। लेखन में क्या करना है, स्लेट्स पर लिखना, रेत या मिट्टी पर उंगली फेरना, जमीन पर आकृति बनाना, कागज पर स्वतंत्र रूप से चित्र बनाना, अपने नाम का अक्षर लिखने के लिए कहना, स्कूल के अंदर लगे सफ़ेद या काले रंग के बोर्ड पर चाक से लिखना या चित्र बनाना, बड़ी बाहर खेले जाने वाले खेल जैसे ग्रास मोट और बड़ी मांसपेशियों का विकास करना है, सप्ताह में आने वाले दिनों के नाम लेते हुए कूदना, मेंढक और बत्तख की तरह उछलना, सर पर किसी किताब रखकर सीधे रेखा पर चलना, अलग अलग वाहनों का नाम लेना और कूदना, जंपिंग जैक, नींबू और चम्मच दौड़ की गतिविधि, एक दूसरे को गेंद पास करना, घर बकरी का खेल, टनल खेल, टोपी जूता बेल्ट का खेल। अब कह रहा है कि NCERT द्वारा परिभाषित सीखने के 3 लक्ष्य, सीखने के प्रतिफल और विकास के क्षेत्रों में संबंध, जिसमें उद्देश्य 1 है हमारा शारीरिक विकास हो, सामाजिक और भावनात्मक विकास करना है, रचनात्मक विकास। उद्देश्य 2 में क्या करना है, भाषा विकास करना है, रचनात्मक विकास। और 3 में बौद्धिक विकास और रचनात्मक विकास। सीखने के 3 व्यापक लक्ष्य होने चाहिए आपके पास, अच्छे स्वास्थ्य और कुशलता को बनाए रखना, प्रभावी रूप से अपने भाव व्यक्त करना, गतिविधि से जुड़कर सीखते हैं और उन्हें अपने पर्यावरण से जोड़ते हैं। स्वास्थ्य और कुशलता को बढ़ावा देने के लिए गतिविधि लक्ष्य 1 ये दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। समूह कला और शिल्प की गतिविधि जो स्वास्थ्य और कुशलता को बढ़ावा देने वाली गतिविधि होगी, उसमें समूह में कला और शिल्प की गतिविधि। प्रारंभिक भाषा गतिविधि में किताबों की मदद से कहानी तेज आवाज में पढ़ना। और लक्ष्य 3 पैरों से मापने की गतिविधि, प्रारंभिक गणितीय गतिविधियां जो होती हैं वो पैरों से मापने की गतिविधि होगी। प्रारंभिक गणितीय गतिविधियों में गिनती की गतिविधि भी होगी, जैसे डंडा गिनना, गोली गिनना इत्यादि। मैनुअल में दी गई गतिविधियों की सूची, हमारे पास जो मैनुअल आई है उसमें क्या क्या सूची हैं। प्रारंभिक साक्षरता में वार्तालाप, किताबों को बोलकर पढ़ना, कहानी सुनाना, चित्रकारी एवं स्वतंत्र लेखन, शब्द व ध्वनि के जोड़ बनाना, भावगीत, भाषा संबंधित खेल, आज की ताज़ा खबर। प्रारंभिक संख्या और वैज्ञानिक चिंतन में एक के साथ एक की गतिविधि, वस्तुओं से गिनती करना, मापन, पैटर्न प्रतिरूप बनाना, पजल बनाना, डेटा हैंडलिंग, पर्चियों का खेल, डूबने व तैरने की गतिविधि। संयुक्त खेल में आ जाएगा आपका सुरंग का खेल, डालिया में गेंद डालने की प्रतिस्पर्धा, गेंद पास करने का खेल, टोपी जूता बेल्ट का खेल, घर बकरी, दीदी दीदी किसकी चाल, हम बाजार जाएंगे और जानवरों की आवाज़। सीखने के प्रतिफल क्या होने चाहिए, बच्चे अच्छे स्वास्थ्य और कुशलता को बनाए रखते हैं, बच्चे प्रभावी रूप से अपने भाव व्यक्त करते हैं, बच्चे गतिविधियों से जुड़कर सीखते हैं और उसे अपने पर्यावरण से जोड़ते हैं। आंगनबाड़ी विद्यालय के संबंध को मजबूत करना है, आंगनबाड़ी और विद्यालय के बच्चों के साथ संयुक्त रूप से गतिविधियाँ संचालित किया जा सकते हैं। गतिविधियों का आयोजन, विद्यालय परिसर में स्थित आंगनबाड़ी के साथ साप्ताहिक या 15 दिन में एक बार मासिक बैठक होना चाहिए, स्टैंड अलोन आंगनबाड़ियों के साथ त्रैमासिक होना चाहिए। बाहर खेले जाने वाले कुछ गतिविधियां, सुरंग का खेल, बकरी इत्यादि किया जाना चाहिए। अंदर खेले जाने वाले किताब पढ़ना, कला शिल्प, त्योहारों में, संयुक्त समारोह में भी आयोजित किया जा सकते हैं। प्रधान शिक्षक की भूमिका क्या है, ये जिसके लिए ट्रेनिंग के लिए आप लोग आए हैं। विद्यालय और आंगनबाड़ी के बीच संयुक्त रूप से कराए जाने वाली गतिविधियां का आयोजन सुनिश्चित करें। एक ऐसे शिक्षक का चयन करें जो विद्यालय की तैयारी हुई गतिविधियों का प्रभार ले सकता है। एक उपयुक्त स्थान की पहचान करें जहां गतिविधियों को बच्चों के साथ संयुक्त रूप से संचालित किया जा सके।
चयनित शिक्षक के आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करें। आंगनबाड़ी केंद्रों कक्षा एक के बच्चों के माता पिता के लिए त्रैमासिक कार्यक्रम आयोजित करें। आंगनबाड़ी में पीटीएम के दौरान माता पिता से ECCC में नामांकन के महत्व, घर पहुँचित शिक्षण सहायता पर बात करें। स्टैंड लोन आंगनबाड़ियों के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और मुख्य सेविका के साथ परामर्श कर एक योजना बनाएं। नामित शिक्षक की भूमिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से नियमित रूप से संवाद बनाए रखें। बच्चों से परिचित होने के लिए नियमित रूप से सप्ताह में एक बार आंगनबाड़ी जाएं। संयुक्त गतिविधियों की योजना बनाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का सहयोग करें। गतिविधि का योजना बनाएं जिन्हें सप्ताह में 1 से 3 बार 2 घंटे के लिए किया जा सके। कक्षा एक और आंगनबाड़ी के बच्चों अभिभावकों के लिए संयुक्त पेरेंट्स सत्र आयोजित करें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रोत्साहित करें और निरंतर सहायता प्रदान करें। यह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका, इसमें कह रहा है प्रधानाध्यापक को मनोनीत शिक्षक के साथ नियमित रूप से संबंध बनाए रखें और संयुक्त कार्य योजना बनाए इत्यादि है। विद्यालय की तैयारी क्या है, विद्यालय की तैयारी क्या है, विद्यालय की तैयारी का अर्थ है बच्चों को विद्यालय में मिलने वाले अनुभव और शिक्षा तैयार करना। यह तैयारी बच्चों के साथ साथ अभिभावकों और विद्यालयों को भी सम्मिलित करती है, जिसके अंतर्गत बच्चे सीखने के परिवेश में सहज होकर समन्वय बना पाते हैं, जो विकास के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। देख रहे हैं विद्यालय की तैयारी, अभिभावक तैयार हैं, विद्यालय बच्चों के लिए तैयार हैं और बच्चे के लिए तैयार हैं, बच्चे विद्यालय के लिए तैयार हैं, बच्चे विद्यालय के लिए तैयार हैं। जो बच्चे विद्यालय के लिए तैयार हैं उनमें निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई देती हैं। वे सीखने के इच्छुक होते हैं, उनके पास बातचीत करने का अच्छा कौशल होता है, वे विभिन्न गतिविधियों को करने और उसे के दौरान नेतृत्व करने में सक्षम होते हैं, वे परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं के प्रति बुनियादी अवधारणाओं का विकास करते हैं, वे गणित समझ के लिए भी तैयार होते हैं, उनके अंदर पुस्तकों के प्रति रुचि विकसित हो जाती है, वे मौखिक और लिखित भाषा के साथ संबंध बनाते हैं, वे लोगों के साथ चीज़ों का पता लगाने, प्रेरणा प्रयोग करने और बातचीत करने के लिए उत्सुक रहते हैं। तैयार विद्यालय स्कूल रेडनेस मैनुअल बच्चों के लिए खेल गतिविधि आधारित शिक्षण की शुरुआत करके विद्यालयों को बच्चों के लिए तैयार होने में मदद करेगा। इससे उन्हें ECE से प्राथमिक विद्यालय में सुचारू रूप से परिवर्तन करने में मदद मिलेगी। विद्यालय की तैयारी कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों में खेल गतिविधि आधारित शिक्षा शुरू करने में मदद करेगा और इस प्रकार सीखने की निरंतरता बनाए रखने में मदद करेगा। विद्यालय बच्चों के लिए तैयार है। एक तैयार विद्यालय वह स्थान है जहाँ बच्चे सुरक्षित और संरक्षित महसूस करते हैं। बच्चों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को करने का अवसर मिलता है। शिक्षक बच्चों के व्यक्तिगत विशेषताओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। विद्यालय बच्चों के विभिन्न पहलुओं से परिचित होते हैं। विद्यालय बच्चों में सीखने की निरंतरता को बनाए रखने और उनके पूर्व में सीखे हुए अनुभवों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। अभिभावक या माता पिता तैयार हैं। अगला है, उसमें क्या खासियत होनी चाहिए। जिन बच्चों के घर का वातावरण प्रेरणादायक होता है वे विद्यालयों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि घर का पहला विद्यालय होता है और माता पिता पहले शिक्षक होते हैं। जब माता पिता को प्रारंभिक वर्षों के मत से अवगत कराया जाता है तो वे सही समय पर सही तरीके से सही मदद प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। यह जागरूकता केवल माता पिता तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि परिवार में अन्य देखभाल करने वाले दादा दादी, बड़े भाई बहन, चाचा चाची आदि तक पहुंचनी चाहिए। तैयारी परिवार, तैयार जो परिवार है उसकी सुन लीजिए, वो परिवार हम कैसे मानेंगे तैयार है। ICDS उत्तर प्रदेश ने माता पिता के लिए एक होम लर्निंग पैकेज तैयार किया है, जिसमें 32 सप्ताह के लिए घर पर संचालित कराए जाने वाली गतिविधियों का पैकेज दिया गया है। इस पैकेज के लिए YouTube लिंक भी बनाया गया है, जहां पर कैलेंडर में दी गई गतिविधियों के आधारित वीडियो विजुअल उपलब्ध हैं। इस पैकेज में क्या होगा, साप्ताहिक चित्रमय कैलेंडर, ऑडियो वीडियो निर्देश, कहानी एवं भावगीत। सभी गतिविधियों को घर पर उपलब्ध कराने से आसानी से किया जा सकता है। सभी गतिविधियों को घर पर उपलब्ध सामग्री से आसानी से किया जा सकता है। डिजिटल रूप से संसाधनों का उपयोग करने में समर्थ,
स्कूलों आंगनबाड़ियों के पूर्ववत खुलने के बाद माता पिता हेतु अच्छे पालन पोषण के तरीकों, सकारात्मक अनुशासन आदि के बारे में जागरूक करने हेतु शिक्षकों द्वारा आयोजित सत्र की योजना। पालन पोषण या पेरेंटिंग। बच्चों के लिए सीखने का पहला स्थान वह स्थान घर है। माता पिता उसके पहले शिक्षक हैं। माता पिता को विद्यालय की गतिविधियों में शामिल करना महत्वपूर्ण है, जिससे वो घर की उचित सहायता प्रदान कर सकें। माता पिता को स्कूल की तैयारी के महत्व के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। माता पिता से बात करके बच्चे की रुचि, नापसंद इत्यादि के बारे में चर्चा करनी चाहिए। व्यवसायिक कौशलों, माता पिता जैसे कलाकार, गायक, बढ़ई को आमंत्रित करें, उन्हें बच्चों के साथ कुछ गतिविधियां करने दें। इस प्रकार यह भाग समाप्त हुआ। अगले भाग में हम इसके नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे।